हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल स्टार होलिस्टिक हीलिंग 111 में। मैं हूं मोनिका जैन, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर, रेकी एंड क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर। और आज का टॉपिक मैं लेकर आई हूं कि गॉड बॉक्स कैसे बनाएं। गाइस, मैं अपनी हर रीडिंग में जब एंजल मैसेजेस देती हूं तो कई बार एंजल का मैसेज आता है कि आपको गॉड बॉक्स बनाना चाहिए, अपनी विश लिखनी चाहिए और अपनी विश को कंप्लीट करने के लिए भगवान तक अपनी विश को पहुंचाइए। तो ये कैसे बनाया जाए, कई बार कई लोगों के मैसेज आते हैं कि मैम हम गॉड बॉक्स कैसे बनाएं। तो आज की वीडियो में उन्हीं के लिए लेकर आई हूँ कि किस तरह अपनी विश को पूरी करें, अपनी विश को भगवान तक पहुँचाए और मैनिफेस्ट करें कि आपकी विश जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हमें गॉड बॉक्स बनाने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब ये सोचते हैं कि हमारी ये विश पूरी होने वाली है, लेकिन कई बार थोड़ी देर बाद मन में ख्याल आता है कि क्या पता ये पूरी होगी कि नहीं होगी, कैसे ये कंप्लीट होगी, हमें आइडिया ही नहीं है। तो ये जब मन में सवाल आता है तो वो थॉट्स जो होते हैं वो वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स की तरह काम करते हैं और यूनिवर्स में वो ही मैसेजेस जाते हैं कि विश पूरी होगी कि नहीं होगी, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो ये कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए हम अपनी विश को सिर्फ एक बार लिखकर और भगवान तक भेज देते हैं, यूनिवर्स तक, उस एनर्जी तक भेज देते हैं कि बस ये विश हमारी कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद हम भूल जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सवाल हमारे मन में नहीं आते हैं। बार बार जब हम इन सवालों को नहीं सोचते हैं और सोचना भी नहीं चाहते हैं तो वो विश जो है वो एक ही बार में कंप्लीट हो जाती है। तो किस तरह हमें गॉड बॉक्स बनाना चाहिए, स्टार्ट करते हैं। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। हमें येलो पेपर लेना है। येलो पेपर की आपको एक छोटी नोटबुक मिल जाती है, डायरी जिसे कहते हैं, जिसपे पेपर हम निकाल सकते हैं इजीली। तो येलो कलर की नोटबुक लेनी है, छोटी स्मॉल साइज की, जिसपे आप अपनी एक विश लिख सके बस। और ऑरेंज कलर का पेन लेना है। ये दोनों कलर जो है वो सक्सेस को इंडिकेट करते हैं और बहुत जल्दी सक्सेस को अट्रैक्ट करते हैं और हमारी विश को भी मैनिफेस्ट करने में हमारी मदद करते हैं। तो येलो कलर का ऐसी आप पेपर ले सकते हैं, येलो कलर, एंड ऑरेंज कलर का आपको पेन लेना है। येलो कलर के पेपर पे आपको अपनी विश लिखनी है प्रेजेंट टेंस में। जैसे मैं बताती हूँ कि मुझे ये एग्जाम में क्लियर होना है, मुझे सीए में क्लियर होना है। तो हमें लिखना है कि मैं इस एग्जाम में, ईयर भी आप लिखें कि 2021 या 2022 जब भी आप एग्जाम देंगे कि मैं इस एग्जाम में क्लियर हो गया हूँ। ईयर भी साथ में लिखें और अपना नाम लिखें ऊपर, और फिर उसके बाद सबसे पहले अपना नाम लिखें, फिर उसके बाद में अपनी विश लिखें कि मैं सीए एग्जाम में 2022 में क्लियर हो गया हूं। और उसके बाद में उस विश को पैक करें और अपने एक बॉक्स, गॉड बॉक्स क्या होता है, एक बॉक्स होता है जो कि सिंपल प्लास्टिक का बॉक्स भी आप ले सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर पिरामिड बॉक्स आ रहे हैं जिसे विश बॉक्स ही कहा जाता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लकड़ी का कोई भी सुंदर सा बॉक्स ले सकते हैं। बॉक्स थोड़ा अट्रैक्टिव होगा तो आपको अच्छा फील होगा और अच्छी वाइब्स उसमें होगी। तो ऐसा कोई भी आप एक बॉक्स ले सकते हैं और उसमें अपनी विश रख दें। ऐसा करके आप अपनी तीन विश एक ही बार में आप रख सकते हैं। और फिर उसके बाद में तीन विश आपको प्रेजेंट टेंस में ही लिखनी है, मेरा ये काम हो गया है, मेरा ये काम हो गया है। प्रेजेंट टेंस में ही आपको ये अपनी विश लिखनी है। आप स्वस्थ होना चाहते हैं, मैं 100% स्वस्थ हो गई हूँ, ऐसा आप अपनी विश लिख दीजिए। ऊपर अपना नाम लिखिए, फिर अपनी विश लिखिए और उसको पैक करके और उस बॉक्स में आप रख दीजिए। तीन विश आप एक साथ एक बॉक्स में रख सकते हैं। अब उसके बाद अगर आपके पास कोई क्रिस्टल है तो आप उस क्रिस्टल को वॉश करके, एनर्जाइज करके उस बॉक्स में रख सकते हैं ताकि आपकी विशेस को क्रिस्टल की एनर्जी मिलती रहे। आपके पास कोई क्रिस्टल एंजल है तो उसको भी एनर्जाइज करके आप रख सकते हैं ताकि एंजल आपकी विश को जल्द से जल्द सुनकर और मैनिफेस्ट कर दे। और फिर उसके बाद आप उस बॉक्स को बंद करके किसी भी मंदिर में रख सकते हैं, अगर ज़्यादा स्पेस है मंदिर में तो, नहीं तो कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पर किसी का हाथ ना लगे। और फिर रोज एक बार नहाने के बाद जैसे हम पूजा करते हैं वैसे ही एक बार उस बॉक्स को अपने सामने रखें, अपनी तीनों विश को खोलें, रीड करें, मेरा ये काम हो गया है,
लाइक मैंने कहा मैं सीए एग्जाम में पास हो गया हूँ, मैं 100% स्वस्थ हो गई हूँ। ऐसा करके आप विश को फिर से पैक करके और रख दीजिए। डेली आपको 21 डेज तक ऐसा ही करना है। आप देखेंगे कि आपके विश जल्द से जल्द पूरी हो गई है। उस विश को लिखने के बाद आप उसको तभी याद करेंगे जब आप उस बॉक्स को खोलकर उस विश को रीड कर रहे हैं। उसके बाद पूरे दिन में आपको एक बार भी याद नहीं करना है कि आपकी विश आपने पूरी होगी नहीं होगी, क्या होगा आपको बिल्कुल याद नहीं करना है। तो ऐसा आप जरूर करके देखिए, अपना एक गॉड बॉक्स बनाइए, उसमें अपनी 3 विश रखिए, कोई क्रिस्टल रखिए, उसको रोज रीड करिए और अच्छे से उस वक्त विजुलाइज करिए कि आपकी विश पूरी ही हो गई है। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपकी विश 21 डेज तक, या अगर कोई क्रॉनिक इश्यूज है तो वो थोड़ा सा टाइम और ले सकते हैं, अदरवाइज मैं कहूँगी कि ये 21 डेज तक कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसा करने से गॉड हमारी जल्दी सुनते हैं और हमारी जो अफर्मेशन होती है वो पॉजिटिव ही अफर्मेशन भगवान तक पहुंचती है। बार बार जब उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं तो ना नेगेटिव थॉट्स आते हैं और न ही मन में ये सवाल आता है कि ये विश पूरी होगी कि नहीं। तो एक ही बार पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, पॉजिटिव विश लिखिए और भगवान तक अपनी विश को पहुँचा दीजिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जब आपकी विश पूरी हो जाए कि कैसे आपने अपने विश को मैनिफेस्ट किया। थैंक यू गाइस, ये थी आज की वीडियो। आगे हम नेक्स्ट राशिफल में मिलते हैं।